नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल फ्लेवर्स बाय सुष में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की इतनी लाजवाब सब्जी कि इसको खाकर आप फिश भी खाना भूल जाएंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 2 बड़े कच्चे केले, 1 प्याज और 1 टमाटर, इसको हमने काट लिया है। जिंजर गार्लिक का 1 टेबलस्पून पेस्ट है और 1 छोटा प्याज काट लिया है, 1 हरी मिर्च। और अब हम पहले इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। एक हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 हरी इलायची, 2-3 लौंग और 10-12 काली मिर्च, 2-3 चम्मच पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे। मसाला देखिए तैयार हो गया है। अब इसको एक तरफ रख देंगे और केले काटेंगे। केले पहले छील लेंगे। क्योंकि हम इसको फिश की तरह बना रहे हैं इसलिए थोड़े बड़े पीस रखेंगे। केले के 2 हिस्से कर लेंगे और इस तरीके से 20 से आधा आधा डिवाइड कर देंगे ऐसे। पहले थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। ये सब काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि केले बहुत जल्दी काले पड़ने लगते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा नमक। इसी तरह दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का हल्दी, मिर्च और नमक डाल देंगे। और इसको अच्छे से रब कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालेंगे जिससे जिस तरह से हम फिश को फ्राई करते हैं उसी तरीके से इन केले के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। तेल खूब तेज गर्म हो गया है और हम इसमें 4-4 पीस डाल के फ्राई करेंगे। बनाना स्लाइसेस फ्राई करने से एक तो टेस्ट बढ़ जाता है, साथ ही ग्रेवी में डालकर कुक करते समय स्लाइसेस टूटते नहीं हैं। बनाना पीसेस बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, इनको निकाल लेंगे और साथ ही बाकी भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
देखिए इसी तेल में हम डाल देंगे आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून मेथी। जीरा मेथी भून गए, अब डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज। अब डालेंगे दो चुटकी हींग। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, अब हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्याज और मसालों का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक या फिर अपने स्वाद अनुसार रखें और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें डाल देंगे केले के पीसेस। अब इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी। अब ढककर 4-5 मिनट के लिए मीडियम हीट पर कुक करेंगे। अभी गलने में थोड़ी कसर है तो 3-4 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। देखिए केले की सब्जी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून गर्म मसाला। अब डाल देंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया और प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारी कच्चे केले की बहुत ही शानदार सब्जी तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।